छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं, राजधानी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीली टैबलेट जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में नशे के काले कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली टैबलेट जब्त किया है, साथ ही नकदी भी जब्त की गई है। बता दें कि थाना मंदिर हसौत क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड स्थित जायसवाल ढाबा के पास आरोपी प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से कुल 1200 नग निट्राजिपम प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जाबिर खान, निवासी वार्ड नंबर 13 धोबी पारा खरियार रोड, थाना जोंक, ओडिशा है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की बिक्री सप्लाई करने वाले मेडिकल फर्म के संचालक और मुख्य सरगना आकाश विश्वकर्मा, निवासी त्रिमूर्ति नगर कृष्णा कॉलोनी, थाना गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत देवपुरी सतनाम चौक पास प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री करते आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट को कांदूल निवासी बाबा हसन से लिया था। हालांकि ये नशीली टैबलेट आरोपी बाबा हसन उर्फ मोहम्मद हसन ने जेल जाने से पहले आरोपी देवनारायण साहू को बेचने के लिए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लगभग 4 लाख रुपए कीमत की कुल 57,744 नग स्पास्मो प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त किया है। मामले का एक आरोपी शंकर ठाकुर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तीनों मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।